जब तक तुम साथ हो जिंदगी यूं ही हंसते गाते बीत जाएगी, तुम गिर भी नहीं पाओगी। वादा करता हूं उम्र भर उतनी खुशियां तुम्हारे रास्ते आएगी। खुशियों से दामन सजाने का वादा करके शायराना अंदाज में करण ने अपनी मोहब्बतें अंकिता के नाम कर दी और उन्हें गले लगा लिया। संगीत के रस्म की इससे हसीन शुरुआत और क्या हो सकती थी। सीरियल और सिनेमा के मेहमान सितारों ने आकर इस शाम को और सतरंगी बना दिया। अजी आज गर्मी की परवाह है ही किसे। अंकिता की बेस्ट फ्रेंड रूपल त्यागी यानी कुंजन ने रॉकिंग शुरुआत की। तो हमारे करण भी स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस देने के मूड में आ गए और उन्होंने दिल फेक अंदाज में अपनी हीरोइन से ये पूछा। अब से अगले 3 परफॉर्मेंस में अगर स्किन टूट गया तो मेरी गलती नहीं होगी, बिकॉज़ स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस है, क्या करूं मेरा है। दीपिका के अंदाज में झूम रही अंकिता का जवाब भी आया। उन्होंने अपनी मम्मा को अपना हाले दिल सुनाया और ये कह दिया कि बेटी अब पराई होने वाली है। बहु वही जो सास को भाए। अपने सास की पसंद की हुई लहंगा स्टाइल वाली अनारकली का ग्रीन और ऑरेंज कलर अंकिता पर जच रहा था, तो रॉयल ब्लू वाले जोधपुरी कोट में करण का अंदाज शाहरुख से इंस्पायर्ड था। उन्होंने बादशाह खान जैसा पोनी टेल भी रखा था और बाय गॉड दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे। I think it looks beautiful and बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए और बहुत सारा हिम्मत चाहिए इसे ड्रेस पहनने के लिए। इतना भारी अगर मुझे पहनना होता तो मैं चलता ही नहीं। It's a very heavy dress and she's looking pretty. वैसे बिजलियां गिराने तो अंकिता और करण के मेहमान भी आए थे। करण और अंकिता का सीरियल कनेक्शन उन्हें खींच लाया था। हमें यह मोहब्बतें का पूरा परिवार नजर आया। चमकते झुमके और ब्लू ब्लैक कलर वाली अनारकली में अपनी मम्मा संग पहुंची दिव्यांका की मुस्कुराहट उन्हें और हसीन बना रही थी। खुशियों का शगुन लिए अनीता भी आई अपने पति के साथ। तोशी जी, मिस्टर भल्ला, सिम्मी सब सज सवर कर आए थे। लेकिन हमें तो सबसे प्यारी लगी रूही। रेड कलर के शरारा में रूही संगीत में धूम मचाने के लिए बेकरार थी। ये डॉल की ड्रेस है, ये मैरून है, इतनी सुंदर है। It has a very beautiful chunni, जो कि थोड़ा सा लहर लहर में है। This beautiful chunni and
कान के बाले भी मामा ने मुझे गिफ्ट किए थे एंड मामा भी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, मेरी फेवरेट साड़ी है मामा आज. संगीत था तो वी केप्ट इन माइंड कि मैंने के कलर शुड लाइक आई शुड वेयर डिफरेंट कलर, सो ये कलर मैंने ज़्यादा पहना नहीं है ना इस शो में, सो आई थिंक इट्स अ नाइस हैप्पी फन वाइब्रेंट कलर. मैंने अपनी ड्रेस खुद डिज़ाइन की है जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हर फंक्शन के लिए एक अलग लुक रखना था. करण चाहता था कि सबका कुछ ना कुछ यू नो फिल्मी हो, अच्छा सा हो, मैचिंग हो, तो हमने कुछ वैसे ही प्लान किया. मैंने एक घंटा लिया है और हर लड़की को इतना टाइम, स्पेशली अगर ट्रेडिशनल अटायर में ड्रेसअप करना है तो लगता ही है, एंड इट्स ओके, आई एम प्राउड ऑफ इट. आई थिंक वी बोथ आर ड्रेस्ड अगेन वेरी कम्फर्टेबली बिकॉज मैंने हील्स नहीं पहने हैं, मैंने फ्लैट्स पहने हैं बिकॉज ही आल्सो वोर फ्लैट्स. आई वाज लाइक ओके यस. भाई जब जोड़ियों की बात हो और हम हजारों में एक क्रिस्टल और करण की बात ना करें तो बात अधूरी रहती है. हमेशा की तरह इनका साथ बेहद प्यारा लग रहा था, तो संगीत के मौके पे इनसे नच बलिए वाला सवाल तो बनता है ना. पार्टनर देखो, मैं जानता हूँ आप क्या सुनना चाहते हो, बट पार्टनर मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सारी ही होंगी, बहुत सारी हूँ, पर थोड़ा एम्बैरेसिंग है, बट मैं चिटियां कलाइयां पे डांस करूंगा, मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है. मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जो भी तैयारी की है, जो ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं वो उन्होंने तैयारी की है, मैंने 10 मिनट लगाए रेडी होने में, तो नो तैयारी, बट बहुत एक्साइटमेंट है. करण और क्रिस्टल साथ में नहीं नाचे, लेकिन नच बलिए के दोस्त करण पटेल के दोस्तों ने लड़की वालों को जमकर टक्कर दी. बहुत अच्छी नहीं थी और इन लोगों की ग्रैंड रिहर्सल होते होते दो बार नहीं हुई थी. मेरी ग्रैंड रिहर्सल में लोग जैसे शराब की बोतल फुल की रिहर्सल बंद जाएगी. मुझे मेरे सोलो का इंतजार है. किस सॉन्ग पे है करण? क्योंकि वो एक ही गाना जितना अगर मैं गलती कर भी तो कोई बोल नहीं पाएगा. बेकरारी तो मिस्टर रमन कुमार के रील और रियल ससुर जी की भी छुपाए नहीं छुप रही. करण से उनका दोस्ताना तो पक्का है ही. आज अपनी बिटिया के लिए वो परसों बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ स्टेज पर एक स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाले हैं. हम लोग दोनों ड्यूएट कर रहे हैं जिंदगी में पहली बार. कुछ सॉन्ग्स हम लोगों ने तैयार किए, कुछ सॉन्ग्स हम लोगों ने तैयार किए, मिलजुल के हंसी मजाक करेंगे. लेकिन उसके लिए मैं देवदास की एक चुंगली पर नृत्य कर रही हूँ. माँ ने बेटी का भी दिल जीता और मेहमानों का भी. प्यार के रंगों से सजी ये शाम जब खत्म हुई तो जाते जाते सारे मेहमानों ने दिल से यही दुआ की कि करण और अंकिता की मोहब्बतें कभी भी कम ना हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पहले बेटे की शादी के अरमान मेरे पूरे हो रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है. यही दुआ करता हूँ कि उसका जो नया जीवन शुरू होने जा रहा है उसे पूरी खुशियाँ मिले. ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी दोनों को और यही कहना चाहूँगी कि रॉकेट गाइस तुम दोनों बहुत अच्छे हो और साथ में बहुत अच्छे लगते हो. करण को मेरी तरफ से एंगेजमेंट की, संगीत की, उसकी शादी के लिए हार्दिक हार्दिक बधाइयां. एंजॉय करो अपनी मैरिड लाइफ. शांतनु भटनागर, मुंबई, आज तक.